आज मैं आप लोगों के लिए बोंबाई की रेसिपी लेकर आई हूं, तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दो बड़े पाई लिए हैं मैंने और एक किलो बोंग ली है, चार बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, चार दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, टू टेबलस्पून नमक लिया है, नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी मैंने टू टीस्पून ली है, टू टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, वन टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, टू टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, टू टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। पाय बनाने के लिए यहाँ मैंने कुकर लिया है, आप चाहें तो इसे पतीली में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम पाय डालेंगे, टमाटर इसमें डालेंगे, प्याज इसमें ऐड कर देंगे, नमक इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी इसमें ऐड करेंगे, सावा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, डेढ़ ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे, डेढ़ कप ऑयल इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैस को ऑन कर लेंगे, फ्लेम इसकी हम हाई रखेंगे, एक सीटी आने तक फ्लेम इसकी हम हाई रखेंगे और इसके बाद हम इसको मीडियम लो पे 20 मिनट तक कुकर में पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं पायों की बुनाई करूंगी। पाए हमारे अभी नहीं गले, जो बोंग है वो गल चुकी है, बुनाई करने के बाद हम पायों का टाइम, बुनाई करने के बाद हम पायों को फिर से गलाएंगे। मसाला गल चुका है, अब हम पायों की बुनाई करेंगे। 20 से 25 मिनट लगे हैं, बोंग गल चुकी है, बोंग को हम अलग कर लेंगे और पायों को हम 40 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे कुकर में, आप चाहें तो इसे पतीले में भी गला सकते हैं। 7 से 8 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी अपने साफ कर देगा, चार ग्लास पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, गोंग तो गल चुकी है, अब हम पायों को गलाने के लिए कुकर में 30 से 40 मिनट तक हम पायों को गलाएंगे, क्योंकि पाए गलने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बड़े के पाए हैं। पाए गल चुके हैं,
फ्राई करने के बाद मैंने इसको बोन में मिक्स कर दिया है। पानी अपने हिसाब से आप इसमें डालिएगा। गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे कवर करके लो फ्लेम पे एक मिनट तक इसको पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाए बनके रेडी हो गए हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी हमें इसके लिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मैं इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। किचन में और आज जो हमारी शेफ हैं राहिला, उन्होंने जो डिश बनाई है वो है पाए। तो जो ये पाए खाए वो खुश हो जाए और जो ना खाए वो बड़ा पछताए। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? इससे पता करने के लिए और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नमरा मलिक। आप उनको देसी टीवी यूएसए पे खबरें पढ़ते हुए देखते हैं। पंजाबी में खबरें पड़ती हैं लेकिन हम इन्हें कहेंगे कि पंजाबी बोलने की जरूरत है, हमें उर्दू में भी वीडियो दे सकती हैं, बता सकती हैं कि ये पाए आज में कैसे लगे। तो कैसी हैं नम्रा? ठीक हैं? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारे जो शेफ है ना राहिला, उन्होंने बनाए हैं पाए, तो जो खाए वो उसको उसका दिल लुभाएंगे ना लुभाए ये आज आप बताएंगे। तो प्लीज ट्राई करें और कमेंट्स में जाके हमें लाजमी बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको।